गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा लेसन थर्ड का पार्ट टू प्रश्न तीन से शुरू होता है। ठीक है, इसका क्या है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ से हमारा पार्ट टू शुरू होता है। तो बच्चों, क पार्ट है ये बच्चों, प्रश्न उत्तर जो है ये अपनी कॉपी पर लिखनी है सुंदर सुंदर राइटिंग से। ठीक है, तो ये मैंने भी अपनी नोटबुक पे लिखे हैं, तो आपने भी अपनी नोटबुक पे सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखने हैं साफ साफ। तो पहले, सबसे पहले बच्चों, क्लास है हमारी फोर्थ, सब्जेक्ट है हिंदी, चैप्टर है तीन तीसरा, और टॉपिक है ऐसे थे वे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यह है हमारा तीसरा प्रश्न। क पार्ट है बच्चों, अध्यापक ने तिलक के दोस्त को क्या और क्यों सजा दी। फिर सुनो, अध्यापक ने तिलक के दोस्त को क्या और क्यों सजा दी। तो उत्तर है बच्चों, अध्यापक ने तिलक के दोस्त को खड़े होने की सजा कक्षा में बातें करने के लिए दी थी। ख पाठ है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक को सजा क्यों नहीं मिली। उत्तर है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक को सजा इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर ठीक ठाक दिया। ग पाठ है बच्चों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का क्या नारा था। उत्तर है बच्चों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। आगे है बच्चों, पाठ से आगे है, इस पाठ को पढ़कर आपने क्या सीखा। तो उत्तर है बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हमें ये सीख मिली कि हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई का ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये थे बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर, आपने इनको अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखना है। अब आइए बच्चे भाषा ज्ञान पर। ये भाषा ज्ञान 25 पेज पे है। ठीक है, भाषा ज्ञान में हमने क्या क्या पढ़ना है बच्चों, लिंग, अनुस्वार और अनुनासिक विलोम शब्द। सबसे पहले प्रश्न हमारा पहला है, लिंग किसे कहते हैं। क्या प्रश्न बनाएंगे हम इसका, लिंग किसे कहते हैं। अब नीचे उसने उसकी परिभाषा दी है, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, जैसे लड़का पुल्लिंग में और लड़की स्त्रीलिंग में। एक और उदाहरण मैं देती हूँ बच्चों, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, मम्मी आपकी स्त्री और पापा क्या हैं, पुरुष हैं। ये दोनों की हमें जो पहचान करवाता है वो क्या है, लिंग। अब समझ आए बच्चों, जैसे आप अगर बच्चे हैं, आप अगर लड़के हैं तो आप किस में आएंगे, लड़का किस में आएगा, लड़का आएगा पुल्लिंग में, लड़की किस में आएगी, स्त्रीलिंग में, मम्मी किस में आएगी, स्त्रीलिंग में, पापा किस में आएंगे, पुरुष में आएंगे ना। तो जो दोनों की हमें पहचान करवाए वो क्या है, लिंग। अब आपको तो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब नीचे देखो बच्चों, दिए गए पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में सही निशान लगाइए। फिर सुनो, दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप में सही निशान लगाइए। तो बच्चों सबसे पहले इधर लिखो, लिंग बदलो। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लिंग बदलो। अब ये सारे पुल्लिंग शब्द दिए हैं, बेटा, बालक, अध्यापक, महोदय, बुद्धिमान, ये पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द के हमने, इन्होंने स्त्रीलिंग शब्द भी दिया है, जो सही होगा उस पर हमने सही का निशान लगाना है। बेटा, बेटी, ठीक है, बेटा का क्या बन जाएगा, बेटी, बालक, बालिका, आगे आ गया अध्यापक, अध्यापिका, महोदय, इसका क्या आ जाएगा, महोदया। ठीक है, ये सही है। आगे बुद्धिमान, बुद्धिमती। तो पेपर्स में बच्चे आपने इसको खुद
लर्न करनी है, ठीक है। आगे आ गया दूसरा प्रश्न, सोचिए समझिए और मिलान करके शब्द बनाइए। अब देखो ये अनुस्वार क्या होता है, ऊपर बिंदु लगाना, अनुनासिक चांद बिंदु लगाना, ठीक है। अब देखो ये गंगाधर ये शब्द दिए हैं, किन पे ये अनुस्वार लगेगा और किस पे अनुनासिक लगेगा। गंगाधर देखो, गंगाधर के ऊपर हमने क्या लगाया, अनुस्वार बिंदु लगाया। मांगना के ऊपर क्या लग गया, चांद बिंदु। स्वतंत्र के ऊपर ये त त के ऊपर बिंदु। आगे आएगा रहूंगा, रहूंगा के ऊपर क्या लगा, चांद बिंदु। संघर्ष के ऊपर स के ऊपर क्या लगा, बिंदु। आप समझ आई। अब जरा इधर देखो सब बच्चे, गंगा, गंगा के ऊपर हमने ये बीच में इधर आएगा गंगा, पता। आगे क्या है, माँ, माँ के ऊपर क्या आएगा, चांद बिंदु। स्वतंत्र त के ऊपर क्या आएगा, अनुस्वार। रहूंगा के ऊपर क्या आएगा, अनुनासिक। संघर्ष के ऊपर क्या आएगा, अनुस्वार। अब आपको समझ आ गई होगी, आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करनी है। थर्ड प्रश्न है, रंगीन शब्दों के विलोम शब्द से खाली जगह भरिए। अब जो रंगीन शब्द दिए हैं उनके हमने क्या बनाने हैं, विलोम शब्द। सबसे पहले बच्चों विलोम शब्द होता क्या है, उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द क्या होता है, विलोम शब्द, ठीक है ना। जैसे सुबह, सुबह का क्या हो जाएगा, शाम। दिन का क्या होता है, रात। ऐसे ही जैसे कक्षा में तिलक के सब मित्र थे, शत्रु कोई नहीं था। एक उसने आपको खुद, उसने बुक वाले ने आपको उदाहरण सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है ना। एक उसने विलोम शब्द खुद बना के दिया है, मित्र का शत्रु। आगे है तिलक ने प्रश्न का, प्रश्न का क्या आ जाएगा, उत्तर। ठीक ठाक बता दिया। ग पाठ है, तिलक उठने ही वाले थे कि अध्यापक ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया। आगे तिलक हमेशा सच बोलते थे, झूठ नहीं। अध्यापक ने बुराई को त्याग कर अच्छाई करने की सीख दी। आप देखो जो रंगीन शब्द है इनके हमने विलोम शब्द देने, मित्र शत्रु प्रश्न उत्तर उठने बैठने सच झूठ बुराई अच्छा। क्लियर हुआ बच्चों आपको, ठीक है। इसी के साथ बच्चों पेज नंबर 26 पे आ जाइए, सुनिए और बताइए। ये आपने पेज नंबर 96, ये आपने पेज खोलना है, पढ़ना है। उसके बाद आपने देखने की मैम ने ये आंसर कहाँ से लिखवाए हैं, ढूंढने हैं उसमें से। रामी के पिता क्या बनाते थे, लोहे का सामान। रामी की माँ क्या बनाती थी, फिर सुनो, रामी की माँ क्या बनाती थी, कपड़े के घोड़े। आगे ग पाठ, नैना ने रामी को क्या दिया, गुड़िया। रामी का घोड़ा कैसा था, बहुत सुंदर। अब आओ कुछ नया करें। अब है बाल गंगाधर तिलक के अखबार का क्या नाम था, पता लगाकर लिखिए। तो बाल गंगाधर तिलक के अखबार का क्या नाम था, केसरी। क्या की जगह क्या लिखना है, केसरी। आगे ये नारे किसके सही मिलान कीजिए। अब ये नारे किसने बोले हैं, जय जवान जय किसान। फिर देखो, जय जवान जय किसान ये नारा किसने बोला, लाल बहादुर शास्त्री ने। करो जा मरो ये किसने बोला, महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये किसने बोला, सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे ये किसने नारा लगाया, किसने, किसका नारा था, बाल गंगाधर तिलक। इसी के नीचे गतिविधियां ये दो दी हैं, जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अहम योगदान दिया उनमें से किसी दो महापुरुषों के चित्र चिपका कर उनके नाम लिखिए। तो ये बच्चों आपका क्या है, होमवर्क, या खुद करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपने अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।